देखिए, शशि थरूर जी का तो मति भ्रम है और एक विड्रॉल सिम्टम्स है, जब ना सत्ता अभी है ना आने वाले समय में रहेगी। और शशि थरूर जी को और सभी जो ऐसा सोच रखते हैं उनको मैं बतलाना चाहूँगा कि किस तरह से हमारे लिए और प्रधानमंत्री जी के लिए जो संविधान है वो एक धार्मिक ग्रंथ है, सबसे महत्वपूर्ण है। और मैं आपको बतलाता हूँ कि किस तरह से आज़ादी से अभी तक कांग्रेस ने जो संविधान है उसको अलग अलग समय चुनौती देकर उसको बदला। फ्रीडम ऑफ स्पीच जो हर भारतीय का एक एक संवैधानिक संवैधानिक एक राइट है, उसको बदली सबसे पहले करा कांग्रेस ने 1951 के अंदर, जब रिस्ट्रिक्शन ऑफ फ्री स्पीच का अमेंडमेंट करा उन्होंने, वो भी एक अनइलेक्टेड बॉडी से। उसके बाद एमरजेंसी लागू करी, पूरा हिंदुस्तान जानता है। 1986 के अंदर सबसे पहले राजीव गांधी जी हम सब भारतीयों की चिट्ठी सरकार पढ़ सके इस तरह का कानून लेकर आ रहे थे इंडियन पोस्टल एक्ट से। वो तो उस समय भारतीयों ने उसको पास नहीं होने दिया। उसके बाद एंटी डिफेमेशन बिल 1988 में लेकर आ रहे थे, जिसको लोकसभा ने भी पास कर दिया था। उसको किसी तरह जब प्रेस का दबाव पड़ा तो उसको वापस लेना पड़ा, लेकिन नहीं तो आप प्रेस वाले कभी सरकार के बारे में लिख नहीं पाते।